guys, there's something new for you all. Subscribe my channel and press the bell icon to get the notification when new videos uploaded. Enjoy the videos and have fun with LuvRulzz. See ya! क्लियरली हमसे क्यों नहीं बात कर रहा है? तुम पापा को भेज रहा है और तुम ना कोई खबर ना कुछ, तुम अचानक से बैठ गया। तुम जिस दिन आज था उस दिन हम क्लाइंट के यहाँ सबसे चल रहा था और रात में सर दो तीन बजे तक हम क्लाइंट क्या रहे हैं, हम दिन भर वहां परेशान हैं। अगला दिन आके देख रहे थे तुम गए। अरे तुम नहीं कर सकते तो क्लियरली बोलोगे हम नहीं कर सकते हैं, हम जबरदस्ती थोड़ी तुमसे काम करवाएंगे। सर आपको दो तीन बार बोल चुके थे कि तुम रीजन क्या दिया था मेरे को? अरे तुम फिर राहुल वही चीज है, खत्म हो गया। तुम तो पहले नहीं जाता तो तुम ले सकता था ट्रांसफर, थोड़ी कोई बाउंडिंग था तुम्हारे को, बाउंडिंग नहीं रखा तो खत्म हो गया। तुम ये चीज कहा जा रहा? हम तुमको क्या बोले राहुल, हम तुमको रिक्वेस्ट किए कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, तुम मेरे बोला कि सर मेरे को पढ़ाई करना है। तुम्हारे पापा बोलते कि पढ़ाई नहीं करना है उसको। तुम्हारे को क्या बोला था कि सर पढ़ाई भी करना है, ट्यूशन भी लेना है, इसलिए हम नहीं कर सकेंगे? बोला था ना मेरे को, तुम्हारे पापा तो नहीं बोल रहे कि पढ़ाई करना है। हम तुमको रिक्वेस्ट किया राहुल कि हमको खाली, अभी तो हम उस दिन कलकत्ता जा गया है, मैं जैसा इनकम टैक्स का सर्वे हो गया क्लाइंट किया उसमें परेशान है। अगला एक तारीख को, 21 तारीख को, 21 तारीख को रात बनवा रहे हैं तो 3 बजे कर गए। फिर अगला दिन आया है, फिर पूरा दिन मेरा इनकम टैक्स ऑफिस में चल गया। सर आप 21 जनवरी बोले थे, उस हिसाब से हम सोचे हुए थे। तो हमको मालूम था कि मेरा भाई का पैर टूट जाएगा, हमको मालूम था। हम तो सर एक्स्ट्रा कर दिए ना। अरे तो हम तुमको थोड़ी बोले कि तुम फ्री में काम करो यार, मेरे पास हम तुमको बोल रहे हैं कि फ्री में करो काम, हम तुमको बोल रहे हैं कि फ्री में काम करो। अरे हम तुमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राहुल मेरे को अभी दिक्कत है, तुम ही देख रहा कोई नहीं है, सुगंधा एक आर्टिकल है बस, तुमको नहीं मालूम है? तब तुम परपसली इसका मतलब बदमाशी कर रहा है। अगर हम परपसली बदमाशी करना शुरू कर दें तुम्हारा मालूम है क्या होगा? तुम सोचा है कभी ये चीज? हम सर आपका यहाँ पे 3 साल पूरा मेहनत से अच्छे से। अरे हम फिर हम तुम मेहनत से काम नहीं करता, तुमको हम पैसा देते जो तुमको हम दिए हैं, तुमको अपना घर में भी नहीं बताया कि हमको पैसा दिए हैं। सर पापा मना किए थे देने के लिए, रखे हुए पैसा आपको वापस। हम वापस के लिए तो नहीं बोल रहे, हम तो तुमको पहले बोल चुके हैं, आज नहीं, हम तो 1 साल पहले बोल चुके हैं तुमको। पर सर उस समय जो ट्रीटमेंट के टाइम जो पैसा हुआ था वो आपको हम आधा वापस किए थे हिसाब करके। नहीं तो हमको नहीं मालूम है, हम पापा को बोले हैं कि हम नहीं लिए हैं। आपको दिए थे? हाँ तो हमको नहीं याद है कि हम दिए होंगे, हमको याद था कि हम नहीं लिए हैं। पेपर में नोट करवा के बोले थे कि लिख के दो कितना हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना नहीं हुआ, वापस करने के लिए पूरा पैसा लेके आए थे, तो आप बोले जितना फिर मेरा खर्चा हो वो वापस करो और जो वापस है तुम एक्स्ट्रा लेके आओ वो पापा को दे दो। पापा का पैसा दे दिया ना वापस? पापा का पापा को दे दिया और आपका जो खर्चा। हम तुमको राहुल सिंपल चीज है कि बोले कि राहुल मेरे को दिक्कत है, तुम भी देख रहा है कि प्रॉब्लम है। जिस ऑफिस में 6-6, 7-7 आदमी काम करता था उस ऑफिस में आज 2 आदमी है, तुमको भी तो बताया दिक्कत है। तुम्हारा दिक्कत अगर मेरा प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ा है तो तुम हमको क्लियर कर दो कि नहीं सर मेरा प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा है, सब प्रॉब्लम से हमको कोई दिक्कत नहीं है। बुलाए भी नहीं ऑफिस में, बुलाए बिना बुलाए टीडीएस में आ गया 2 आदमी। आर्टिकल तो नहीं आया? अरे किसी वही बात है, टीडीएस में नहीं था ना कोई? टीडीएस में तो कोई नहीं था, कोई गया तभी आया ना। तो आया ना? अरे तो हमको पता चलेगा कि जाएगा, मेरा तो वहाँ थोड़ी कोई पता रहता है कि आएगा। मेरा तो हम के आर्टिकल पकड़ ले हैं जबरदस्ती कहीं से, हम जबरदस्ती पकड़ के नहीं ला सकते हैं किसी को। हम तुमको बोले कि हम अरेंज कर रहे हैं, अरेंज हो जाएगा, तुमको ही मालूम है रिजल्ट निकला है, कोई ना कोई आर्टिकल आएगा ही। तब फिर तो आर्टिकल आएगा तो उसको कौन बताएगा काम कैसे करना है? ऑफिस का सिस्टम उस्टम कौन समझाएगा उसको? सुगंधा काम करेगी वो तो 3 घंटा आएगी अभी, उसका तो पूरा फरवरी में ऐसे ही चल जाएगा। मेरे टाइम में दो दिन प्रॉब्लम था सर, हम जब आए थे सब उनका खत्म हो गया था आर्टिकल वगैरह, हम अकेले थे आपके साथ। तुमको बताने वाला कोई नहीं था स्टार्टिंग में? कुछ ही दिन था बस, तुमको कोई नहीं था बताने वाला? जब ऑडिट पीरियड था तो अकेले थे। ऑडिट पीरियड में कहाँ अकेला था? ऑडिट पीरियड में तो आ गई थी लक्ष्मी और ये दीपिका, जुलाई एंड में तो लोग दोनों, अगस्त में तो आई गई थी वो लोग, फिर सितंबर पूरा छुट्टी कर दी थी।
अरे दीपिका बहुत ग्रुप पास कर गई थी तो सितंबर में छुट्टी कुछ प्रॉब्लम कर दी थी वो लोग ना, नहीं आ रही थी, छुट्टी कर दी थी वो लोग। हम वो सब चीज नहीं बोल रहे राहुल, हम एक चीज बोल रहे हैं कि तुम्हारा अगर प्रॉब्लम है जेन्युइन तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको जबरदस्ती तुम्हारा प्रॉब्लम कि नहीं तुम्हारा जो प्रॉब्लम है बाढ़ नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है, नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, वैसा हम तुमको नहीं करना है। लेकिन हम तो अब तुम परेशानी वाला कर रहे काम, तुम छोड़ के चला गया बीच में, कौन करेगा वो? आज लक्ष्मी को छुट्टी चाहिए था तो वो मेरे को बोली तो हम उसे करवाए ना दुपट्टा सा पूरा कंप्लीट करवाए कि नहीं उससे कोई मतलब थोड़ी होता है ये सब चीज का। तो सर हम नहीं करना चाहते ना, मेरा खत्म हो चुका है, फिर नहीं चाहते आगे यहाँ पे करना, हम नहीं चाहते और करना यहाँ पे काम। तो हम बोल रहे तुम नहीं चाहता मत करो, लेकिन जो काम है वो तो कंप्लीट करेगा। एक महीना में तुम्हारा क्या चल जाएगा, एक चीज मेरे को बता, तुमको क्या हो जाएगा एक महीना में? तुम हमको समझाओ जेन्युइनली प्रॉब्लम तुम्हारा क्या होगा एक महीना में? तुम हमको अगर कन्विंस कर देगा तो हम तुमको नहीं बोलेंगे करने के लिए, जो होगा हमको तो झेलना ही है, अभी मेरा ऑफिस है तो हमको तो झेलना ही पड़ेगा सब चीज। लेकिन तुम हमको कन्विंस कर दो कि सर मेरा ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते। तुम्हारा पापा बोलते हैं कि मेरा दुकान में तो बैठेगा नहीं ये लोग। सब काम तो हम कर ही दिए हैं, कुछ मेरा तो कोई ऐसा बड़ा काम नहीं बचा कि जैसे पानी का पेंडिंग था, उस वजह से हम जनवरी रुक गया पूरा, वो छोड़ देते तो फिर वो इनकम्प्लीट रह जाता, उस वजह से हम रुक गए थे पूरा। अरे हम वो चीज नहीं बोल रहे राहुल, हम बोल रहे हैं तुमको क्या प्रॉब्लम है बताओ ना तुम। हम आगे नहीं कराना चाहते हैं, 3 साल मेरा कंप्लीट हो गया तो बस। वही सब बात है, बच्चा जैसा बात करेगा तो कहां से हम बात कर पाएंगे। हम बोल रहे तुमको प्रॉब्लम क्या है, नहीं करना बस। क्या करेगा तू? घर पे रहेंगे। घर पे रहके तुमको बाप खिलाएगा इतना बड़ा लड़का को? इसलिए तुम लोगों को पैदा किया है कि तुमको घर में बैठा के खिलाएगा? कितना दिन घर में बैठेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन? कुछ कर लेंगे। क्या करेगा तू? तो क्या सोच रहा है? कुछ सोच रहा होगा ना, क्या करेगा? नवम्बर का तैयारी करना है, शाम का तैयारी करने में। माँ पापा बोलते हैं कि पढ़ेगा नहीं, वो रेलवे में नौकरी करेगा, अपना जीजा के पास गया है, माँ उसका जीजा बोला है उसको रेलवे में नौकरी दिला देगा। तुम बोलता कि हमको तो पढ़ने का तैयारी कर रहा, तो किसका बात हम सच माने और किसका झूठ माने? तो कुछ तो कर ही नहीं हम अपना। तुमको क्या लग रहा है कि जो 3 साल ये सब काम किया है ये बेकार हो गया सर? बस ये करना लगा था कि तुम यहाँ पे किए ना, फिर वो तो पहले अगर नहीं करना होता तो यहाँ पे आते। तो फिर तुम्हारे पापा कैसे बोल रहे हैं कि वो सिस्टर के पास गया है, उसको उसका जीजा बोला है रेलवे में? मतलब बस वो कुछ काम से गए होते, पहले से वो बुला रहे थे तो जा लेते हैं। तुम तो गया कितना बार बोला सिस्टर को लेने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं? छोड़ने के लिए जाते थे वो नहीं बोल रहे हैं, मतलब अभी जनवरी में मेरे को बुलाए हुए थे कुछ काम से, तो हम जनवरी तो क्या मकान का बोले पापा की लोगों का मकान बन रहा है, तो उसी के लिए बुलाए थे। जनवरी में ही बुलाए थे तो हम नहीं जा पाए, तो फिर हम उसके फरवरी में जाएगा। तुमको एक महीना करने में प्रॉब्लम क्या है ये मेरे को समझाओ। सर हम नहीं रोक सकते, हम तो मेरा तो कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है ना, हम तो अपना हिस्सा का सारा काम कर दिए, आपका तो काम तो हमेशा ही रहता है, रहेगा ही काम, ऑफिस से तो काम तो रहेगा ही, किसी से और से करा लीजिए। किससे कराए बताओ? तो सर दो आदमी मेरे को सर हम आदमी दे रहे हैं, हम कहाँ से लाएंगे? फिर कहाँ बोल रहा है बात किसी और से करवा लीजिए, ये क्यों बोल रहा है तुम? ये तुम नहीं बोल सकता है ना, किसी और से करवा लीजिए। तो आप हम क्या कर सकते हैं बताइए, हम नहीं करना चाहते तो फिर हम नहीं क्यों करें, मतलब मेरा तो खत्म हो गया ना, हम नहीं करना चाहते हैं सर। हम बस ये बोल रहे कि मेरा खत्म हो गया तो आप मेरा साइन कर दीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमको मालूम था कि जिस दिन हम साइन करेंगे तुम अगला दिन से नहीं आएगा, समझ में आया? हम 20 साल से घास नहीं छीन रहे हैं यहाँ पर, हम भी आदमी को पढ़ना और पहचानना जानते हैं, हम भी देंगे साइन करके, तुमको जो करना करो जाओ। अरे हम तुमको प्यार से समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, तुम समझ नहीं है बात में।